दोस्तों सैमसंग का एक स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी F23 5G, और ये फ़ोन पहले 17,000 रुपया में लॉन्च हुआ था और 15,000 डिस्काउंट ऑफर लगा करके ये फ़ोन मिल रहा था, और अभी ये फ़ोन 10,999 रुपया मिल रहा है। तो इस फ़ोन को आप लेने का सोचे हैं तो कहीं आप बहुत बड़ा मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है आपसे कि इस फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डे सेल में आपका 10,000-11,000 रुपया पानी में जा रहा है। इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि क्या सच में आपको ये फ़ोन 10,999 रुपया लेना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस फोन की अगर डिस्प्ले का बात करें तो इस फोन में 6.6 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, और ये वाटर ड्रॉप नॉच टाइप का डिस्प्ले है। वहीं इस फोन के प्रोसेसर का बात करें तो इस फोन में स्नैपड्रैगन 750G दिया गया है, जो कि परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत बढ़िया प्रोसेसर है। वहीं इस फोन के अगर कैमरा डिपार्टमेंट का बात करें तो इस फोन में मेन कैमरा 50 MP का दिया गया है, और एक 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है, और 2 MP का एक मैक्रो कैमरा मिलेगा। वहीं इस फोन के सेल्फी का बात करें तो इसमें 8 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है, और बैटरी डिपार्टमेंट का बात करें तो इस फोन में 5000 mAh का बैटरी दिया गया है, और ये फोन 25 वाट के फास्ट चार्ज को सपोर्ट करता है, और ये फोन One UI 4.1 पर रन करता है, और आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 12 के साथ आता है। तो यही था इस फोन का हाईलाइट स्पेसिफिकेशन। और इस फोन के अगर प्राइस का बात करें तो इस फोन का अभी सेलिंग प्राइस 12,499 रुपया है, लेकिन आपके पास अगर ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड रहेगा तो इस फोन को आप 10,999 रुपया तक में परचेज कर लोगे। तो आप बात करते हैं इतने प्राइस पे क्या सच में ये फोन आपको लेना चाहिए। तो देखिए, इस फोन में 6.6 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल रहा है, उसके बाद रिफ्रेश रेट भी 120 हर्ट्ज का है, प्रोसेसर भी स्नैपड्रैगन 750G है, और बैटरी भी 5000 mAh का बैटरी भी मिल जा रहा है, और 25 वाट का फास्ट चार्ज आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 12 के भी साथ आ रहा है। ओवरऑल अगर देखें तो ये फ़ोन 10,999 रुपये हिसाब से एक तगड़ा डील है। बिल्कुल आपको इस फ़ोन को परचेज करना चाहिए, और आप अगर इस फ़ोन को परचेज करने का सोचे थे 10,999 रुपया में, तो आप 100% सही डिसीजन लिए हैं, आप कोई भी गलती नहीं कर रहे हैं। निसंदेह फोन को आपको परचेज करना चाहिए। और जो लोग 11,000-12,000 रुपया में सैमसंग का एक अच्छा स्मार्टफोन का तलाश कर रहे थे, उनके लिए भी ये फोन बहुत तगड़ा है। और जिन लोगों को 11,000-12,000 रुपया में एक अच्छा फोन चाहिए, तो वो लोग भी इस फोन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ब्रांड वैल्यू भी मैटर करता है। और सैमसंग की तरफ से ये फोन 11,000 रुपया में जो जो स्पेसिफिकेशन के साथ मिल रहा है, ये बिल्कुल एकदम तगड़ा डील है। जल्दी से जाके इस फोन को परचेज कर लीजिए, बिल्कुल आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं, आपका डिसीजन एकदम सही है, आपको इस फोन को लेना ही चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस फोन का प्राइस बढ़ा दिया जाए, तो इसलिए जल्दी से जल्दी जाके इस फोन को परचेज कर लीजिए। वैसे इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।